एश्ले जे विलियम जब यहाँ आया तो उसे पता चला कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उनके पास सुपर पावर भी है और वो क्राइम से लड़ते हैं। जब येलो सूट वाला आया तो एक अजीब बात हुई, सारे मारे गए और उन्होंने दूसरे सुपर हीरोज़ को काटना शुरू किया और वो भी सारे बन गए जॉम्बीज। कुछ अनइन्फेक्टेड हीरोज से मिलने के बाद एश को पहली बार पता चला कि ये दुनिया कितनी पागल है और उसने उन्हें छोड़ने का फैसला किया और उसे मिली एक हीरोइन डैजलर। एश ने डैजलर को बताया इस दुनिया को बचाने के लिए उसे नेक्रोनोमिकॉन को ढूंढना है। डैजलर के पास एक आइडिया था जो एश ने सुना और दोनों सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के घर गए। अब सब ठीक होने वाला था, तभी किसी ने एश को पकड़ लिया और उसका सर खाया गया एक बोलने वाले जॉम्बी डक के जरिए। क्या एश बच पाएगा या फिर वो अगला खाना बनेगा मार्वल जॉम्बीज का? एश्ले जे विलियम्स हमेशा से बड़ी चीज़ें करने के इरादे रखता था, एक हीरो बनना, विलन से जीतकर दुनिया बचाना, एक लड़की मिलना, और पूरा दिन वो यही सोचता रहता था बजाय इसके कि वो काम करे आखिरी शिफ्ट में एस्मार्ट के हाउसवेयर डिपार्टमेंट में। लेकिन इस हॉरर और अजीब तमाशे के बीच एक और अजीब बात हुई जब एश्ले जी विलियम्स के सामने आया एश्ले जे विलियम्स। इस यूनिवर्स में एश के दिमाग में क्या चल रहा था ये कहना मुश्किल था, ये हैरान करने वाला भी था। डेस्टिनी के अधूरे पर्सनिफिकेशन से मिलना ये सच में शॉकिंग था, पर एश के दिमाग में इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में इस समय क्या चल रहा था? उसका दिमाग अब उसके ही खून में भीग चुका था एक स्पेस में रहने वाले ह्यूमन जैसे इन्फेक्टेड और जॉम्बी डक के वजह से, और अब वो डक आगे बढ़ रहा था डैजलर को खाने के लिए। लेकिन डैजलर फ्लैश का इस्तेमाल करके उस डक की आँखें कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देती है। तब वो डक कहता है, लगता है तुम मेरी नाक के बारे में भूल गई, मैं तुम्हें देख नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम्हें सूंघ तो सकता हूँ, और डैजलर की तरफ बढ़ता है। तभी एश्ले जी विलियम्स पीछे से कहता है, कोई चांस नहीं नन्हे शैतान, क्योंकि तुमने एश्ले विलियम्स के तीन खास रूल तोड़े हैं। नंबर वन, डेडेट्स को मारो। नंबर टू, लड़कियों को मुसीबत से दूर रखो। और नंबर थ्री, जानवरों को खाना मत दो। इतना कहकर वो जॉम्बी डक पर अपना चेंसवा चलाता है और इसी के साथ शुरू होता है आज का एपिसोड, नाइट ऑफ द लिविड डेड। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां आपको मिलता है सुपर हीरो कंटेंट, वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ वर्सेस आर्मी ऑफ डार्कनेस का थर्ड एपिसोड, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लिविड डेड। और अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा कोई सजेशन या इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट करें, या फिर इस वीडियो के कंटेंट पर कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो भी हमें कमेंट करें। तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब एश डैजलर की तरफ बढ़कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, एश तुमने मुझे बचा लिया, तुम अमेजिंग हो, और आगे तुम कहोगी मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। उस पर वो कहती है नहीं। तभी एश कहता है, हाँ तुम इम्प्रेस हो, डरी हुई हो, हालांकि ये दुनिया का अंत है इसलिए ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी। तब डैजलर कहती है, नहीं मेरा मतलब था पीछे देखो इडियट, वो अभी मरा नहीं है। तभी स्कारलेट भी चाहकर कहती है, पर ये मर चुका है, ये तभी मर चुका था जब ये उस भयानक बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था और अब ये हमेशा के लिए मर चुका है, और जॉम्बी डक को अपनी पावर से मार देती है। तब एश जॉम्बी डक को किक मारते हुए कहता है, तो कुछ और करके देखते हैं, और स्कारलेट विच के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उस पर स्कारलेट विच कहती है, क्या तुम पहले से ही ऐसे हो? तब डैजलर कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब लोग जॉम्बीज बन रहे हैं और मुझे लगा कि तुम वो हो, और वो मरे हुए एश्ले जे विलियम्स की तरफ पॉइंट करती है। तब स्कारलेट विच उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर कहती है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस कहता है ये एश्ले जे विलियम है, शायद किसी और डायमेंशन का। तब डैजलर एश से पूछती है, तो ये स्टोरी होगी कि डेडाइट्स दुनिया तबाह करने आए हैं और तुम किसी और रियलिटी से आए हो दुनिया को बचाने। फिर डैजलर वांडा से पूछती है, मैंने सुना कुछ एवेंजर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तब वांडा रोते हुए कहती है, कुछ नहीं बल्कि सारे, कर्नल अमेरिका ने एवेंजर कॉम लिंक पर SOS मैसेज भेजकर सारे रोस्टर्स को असेंबल करने को कहा है, मैं वहाँ से भाग निकली, मुझे लगा उनके पास एक ही मौका है,
क्योंकि एस ने कहा था कि वो उस बुक के बारे में जानता है जो इस सब को रोक सके, और इससे अच्छा मौका उन्हें क्या मिलता। तो मैं एस के पीछे पीछे आ गई, पर अब मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, शायद यही दुनिया का अंत है। तब एस बीच में कहता है, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए माफ़ करना, पर अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारा अंत जरूर आ जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग गॉड अपना रात का खाना ढूंढने निकला है। तब डैजलर वांडा से कहती है, उम्मीद मत छोड़ो, मुझे पता है अगर कोई उस बुक नेक्रोनोमिकॉन के बारे में जानता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही होंगे, वो यही है, मैंने कुछ देर पहले उन्हें खिड़की में देखा था। तब वांडा कहती है, एलिसन, स्टीफन स्ट्रेंज शील्ड हेलिकॉप्टर पर थे जहाँ बचे हुए सुपर हीरोज प्लान कर रहे थे इस सब को रोकने का। तब एश दरवाजे पर लात मारकर कहता है, तो देखते हैं अंदर कौन है, कोई और डेडाइट। और अंदर का नज़ारा देखकर वो कहता है, ठीक है ज़ॉम्बी बदमाश, अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे इससे पहले मैं तुम्हारा सर ब्लास्ट कर दूँ। उस पे डॉक्टर ट्विड, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। सुबह जब मैं ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तब मुझे काटा गया, मैंने इस इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए अपनी मिस्टिकल पावर्स का यूज़ भी किया, और फिर मैं स्टीफन के पास आया इस उम्मीद में कि वो कुछ मदद करेगा, लेकिन वो जा चुका था। मैं वॉन्ग को मारना नहीं चाहता था, पर यह भूख बहुत ताकतवर है, जितना मैं खाता हूँ भूख उतनी ही लगती है, और मैं तुम्हें भी खाना नहीं चाहता, पर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। तब ऐश कहता है, देखो दोस्त, हम जानते हैं इसे कैसे रोकना है, और अगर तुम कुछ देर तक इसे रोक पाओ तो अच्छा होगा। तब ड्रूड कहता है, तुम जानते हो। उस पे ऐश बताता है, हाँ, और हमें सिर्फ लाइब्रेरी तक ले चलो। तब ड्रूड बताता है कि वो ऊपर है। तब ऐश कहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, और हमारी पहली प्रायोरिटी होगी तुम्हें नॉर्मल करने की, सिर्फ इस बीच हमें खाने की कोशिश मत करना। तब ड्रूड कहता है, ठीक है, क्या तुम सच में इसे रिवर्स कर सकते हो। उस पे ऐश ड्रूड को गोली मारकर कहता है, सॉरी, पर अगर तुम डेडाइट हो तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता, डेड इज डेड, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस यूनिवर्स से हो। तीनों लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, जहाँ ऐश कहता है, ये रही लाइब्रेरी तुम्हारे जादूगर दोस्त प्रोफेसर जो भी उसका नाम है। तब वांडा कहती है, डॉक्टर स्ट्रेंज। उस पर ऐश कहता है, हाँ वही, लगता है ये सेक्शन डार्क आर्ट्स के बारे में है। तब डेजलर वहाँ पर बुक ढूंढते हुए कहती है, पर यहाँ पर नेक्रोनॉमिकन नहीं है, और किताब उठाने जाती है। तब ऐश उसे रोकता है और किताब बाहर निकाल कर कहता है, देखो और सीखो, और उस किताब से पूछता है, सुनो गंदे चमड़े के ढेर, मुझे तुम्हारे अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नेक्रोनोमिकॉन्स के बारे में, मुझे जानना है कि वो कहाँ है और तुम मुझे वो बताओगी। तब वो किताब मना कर दी है। तब ऐश उस किताब को आग में फेंकता है और आगे कहता है, अब बिना एटीट्यूड के ट्राई करते हैं। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो चेन सॉ निकाल कर कहता है, तुम मुझे बताओगे या फिर मेरे पास काट छाट करने के और भी तरीके हैं। तब एक बुक बाहर आकर कहती है, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ जो तुम्हें चाहिए। वो किताब अपने क्रिएशन से लेकर अब तक की सारी बातें बताने लगती है, जिस पर ऐश कहता है, मैंने पूरी बुक रिपोर्ट नहीं मांगी, सिर्फ जरूरी चीज़ें, नेक्रोनोमिकॉन कहाँ है। तब वो किताब बताती है, लैटवेरिया। ये सुनकर ऐश कहता है, ये आसान नहीं था। डैजलर खिड़की से बाहर जाकर कहती है, मुझे एक क्विंजेट दिख रहा है जो कि पास ही है, अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम कुछ घंटों में लैटवेरिया में होंगे। और डैजलर आगे बताती है, चीज़ें बहुत बुरी हो रही है वो बच्चे। तभी ऐश हमेशा की तरह बीच में कहता है, बच्चे मुसीबत में है, लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, उनकी हालत ख़राब है। तब डैजलर कहती है, नहीं, बच्चे मुसीबत में नहीं है, बल्कि बच्चे ही मुसीबत है। तब हम देखते हैं कुछ सुपर पावर वाले बच्चे जो लोगों को खा रहे थे। बाहर निकलते हुए डैजलर कहती है, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। तब वांडा कहती है, चलो भी, क्विंजेट उनकी दूसरी तरफ है, अगर हम बिना उनका ध्यान बटाए जाए तो खाते वक्त वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तब ऐश कहता है, अगर वो बच्चे हमारे बीच में आए भी तो हमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। तभी एक धमाका होता है और कुछ लोगों की टीम दिखती है और वो लोग उन ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं। तब ऐश कहता है, यही है हमारा डिस्ट्रैक्शन, हमें शिप की तरफ बढ़ना होगा। उस पर डैजलर पूछती है, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। उस पर ऐश बताता है, नहीं, ऐसा करना हरिकेन में स्पिटिंग करने जैसा होगा, और शिप में बैठकर कहता है, हमारे पास पूरी दुनिया है बचाने को। कुछ घंटे बाद क्विंजेट में स्कारलेट विच ऐश को अपने हाथ उसके घुटने पर से हटाने को कहती है। तब ऐश बताता है कि लैटवेरिया अच्छी जगह है। तब वांडा कहती है, हाँ, सिवाय उसके रूलर के, जो कि खून का प्यासा है और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में रहता है।
और वो मैनकाइंड की तबाही भी है। तब ऐश पूछता है, तो उसमें और बाकी के इन्फेक्टेड लोगों में क्या फ़र्क है? तब वांडा कहती है, फ़र्क ये है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तब डैजलर बाहर देख कर कहती है, अब तक नहीं, लेकिन ये इंडिकेशन बताती है कि समय के साथ ये बदल गया है। तब वांडा कहती है, इसका मतलब है हम भी तबाह होने वाले हैं। उस पर ऐश कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं चिल्लाने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं तबाह हुआ लेटवेरिया, जो कि हुआ था जॉम्बीज की वजह से।